वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग एक बार फटाफट पड़ सारे के सारे मित्र हमारे जुड़ जाएंगे यहाँ पर जो लोग अभी तक ना जुड़ पाए नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में हार्दिक स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो सभी हमारे मित्र सभी हमारे दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जी वो सभी लोग जल्दी से जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून मधु संदीप तनु सरी अर्जुन अर्जुन क्या है बेटा इसको जानना है ना तो दो अप्रैल को हमें जुड़ना पड़ेगा शाम को सात बज के पैंतालीस मिनट पे सच में कुछ बेहतरीन होगा आप लोग के लिए तो आप सब लोग शाम को सात बज के पैंतालीस मिनट पे दो अप्रैल को जुड़ना मत भूलिएगा ठीक है आपने अगर अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं किया देखो आपके कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक है देखो ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यों बोल रहा हूं उसका कारण बताता हूँ ऐप डाउनलोड करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कारण बताता हूँ बहुत ही बेहतरीन सी लाइनें हैं आप लोग रात दस बजे की क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं गलत बात है उसे सोचा नहीं करते जब मिल गया उसे खोया नहीं करते जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जब मिल गया उसे, नहीं मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते वक्त और हालात कैसे भी हों कितनी भी विषम परिस्थितियां हों लेकिन अगर आप उससे उभर कर बाहर आए और आपने अपना सिलेक्शन लिया तो आप सही या असली योद्धा कहलाएंगे समझ गए आगे बढ़ते हैं देखो बेटा अगर आप सीआरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सारथी बैस से कोड लगा करके आप जो है जुड़ सकते हो और डबल वैलिडिटी प्राप्त कर सकते छे छे हो यानी छः प्लस छह मात्र चार सौ पचास रुपए में अगर आप सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करो तो उसको बताऊंगा उससे पहले देखो आप सभी लोगों को ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट बताऊं जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप डाउनलोड करते ही आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ नीचे चार ऑप्शन आते हैं एक आता है होम देखो एक ऑप्शन आता है होम नीचे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं एक आएगा होम एक आएगा कम्युनिटी हाँ एक आएगा आपका माई कंटेंट और एक आएगा स्टोर स्टोर? क्या आएगा ठीक है तो आपको कम्युनिटी वाले कॉलम पे क्लिक करना है क्या करना है कम्युनिटी वाले कॉलम पे क्लिक करना है जैसे ही आप कम्युनिटी वाले कॉलम पे क्लिक करते हो देखो कम्युनिटी वाले कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपको

स्टार्ट हो जाएंगे या आज से 47 ने अभी बना है और 47 ने जो है इसको फॉलो कर लिया है तो आप लोग जाकर के इसको फॉलो कर लीजिए ठीक है हाँ इसको फॉलो कर लीजिए इसमें मैं डेली बेसिस पर आप लोग को क्या कराऊंगा रीजनिंग के क्विज कराना स्टार्ट करने वाला ठीक है तो आप सब लोग और इसके लिए आपको ऐप चाहिए हो तो ऐप कैसे डाउनलोड करोगे आपके कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये मैंने आप लोग को जानकारी देनी थी ठीक है चलिए अगर आप लोग सीजल के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो बेटा इस बैच से जुड़ जाओ अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई है एग्जाम डेट आप लोग को पता है ना सीजल की चौदह जुलाई से हाँ सत्ताईस जुलाई तक आप लोग के एग्जाम होने हैं मतलब मैं तो बड़ा इस बात से अचंबित हूँ कि जिस फॉर्म की डेट अभी नहीं आई कितने फॉर्म भरेगा ये नहीं पता उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है ताज्जुब है ये अपने आप में चलिए खैर अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आज की सीरी आज के सेट का आपकी सामने आ चुका है जी जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा फटाक से बताएंगे सभी दोस्त चलिए जय भीम बेटा रात में क्लास होता है नौ बजे के बाद दस बजे जैसे अभिनंदन सर की क्लास नौ बजे होती है रात में फिर दस बजे मैं क्लास लेता हूँ जस्ट अभिनंदन सर की क्लास होती है उसके तुरंत बाद आप वहां पे मिल सकते हो ठीक है सुबह नौ बजे होती है अभिनंदन सर की आप मेरे से बारह बजे मुलाकात कर सकते हो आप बराबर बने रहिए हमारे साथ हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहेंगे ठीक है चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो हाँ जल्दी से चलिए आ जाइए पहला क्वेश्चन सिलॉक्स पहला क्वेश्चन सिलॉक्स इधर आ गए बोला है सम डॉक्टर आर सोल्जर्स तो सम डॉक्टर आर सम डॉक्टर आर सोल्जर्स और ऑल मैनेजर आर सोल्जर तो ऑल मैनेजर आर सोल्जर ये ऐसा बना सकते हैं देखो इसको हम ऐसा बना दें ऑल मैनेजर आर सोल्जर और सम डॉक्टर आर सोल्जर ऐसे बन गया ऑल डॉक्टर आर सोल्जर क्या सारे डॉक्टर doctor... सोल्जर हैं गलत जवाब सम सोल्जर है मैनेजर सोल्जर मैनेजर हैं सम सारे सोल्जर डॉक्टर हैं सारे सोल्जर क्या डॉक्टर हैं बिल्कुल गलत जवाब सम डॉक्टर सम डॉक्टर है मैनेजर ये भी बिल्कुल गलत जवाब तो आपका आंसर केवल दूसरा सत्य है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कितने दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कितने दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है जल्दी से देखते चलो बताते चलो आंसर क्या आएगा फटाफट फड़ सारे के सारे मित्र हमारे निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी सभी सभी दोस्त सेशन को को शेयर कर दीजिए एक बार और हाँ, आप सभी साथियों को, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सारे के सारे हमारे मित्र यहाँ पर जो अभी तक ना जुड़ पाए स्पीड में शेयर करते जाइए सेशन को स्पीडली सेशन को शेयर करते जाइए लाइक करते जाइए जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए क्योंकि आप जब लाइक और शेयर करते जाओगे तब धुआं धुआं करने में मजा आएगा समझ में आ रही बात जी तब धुआं धुआं करने में ना मजा आता है जब आप लाइक और शेयर करते आते हो तो <laughs> चलो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ यहाँ पर जल्दी जल्दी और रात दस बजे की क्लास बेटा आपकी शुरू कर चुका हूँ आप लोग को पता है तो आप लोग उससे जुड़ना शुरू कर दीजिए ठीक है हाँ जे जे जल्दी जल्दी बताइए चलिए एस एस सी एम टी एस सेकेंड में कितने नंबर पर कट ऑफ देखो बेटा दूसरा पेपर डेढ़ सौ नंबर का है और सब्जेक्ट हैं जीएस और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे नहीं होते या अगर मैं बोलूं चलो इंग्लिश एक बार को अच्छी कर ली किसी ने लेकिन कंप्लीट जीएस पे कमांड बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जानी चाहिए डेढ़ सौ में से सौ नंबर के आसपास कट ऑफ मान के चलो कि जानी चाहिए ठीक है चलो खैर यहाँ आ जाओ ठीक है चलो यहाँ कौन सा आंसर आप लोग बता रहे हैं आप लोग बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए पी के चौधरी भी बता रहे हैं सोलह यानी वो बोल रहे हैं कि सर बारह और सोलह को बदल लो और डिवाइड और क्रॉस को बदल लो चलो लेट सी तो डिवाइड की जगह उन्होंने कहा क्रॉस कर दो सर और क्रॉस की जगह क्या कर दिया उन्होंने कहा डिवाइड कर दो और बारह की जगह सोलह कर दिया और सोलह की जगह बारह कर दिया ऐसा अब चलो देखते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं तो बारह चौक अड़तालीस का आठ फिर चार हासिल लग गया बारह दोनों चौबीस और चार अट्ठाइस टू डबल एट ये हो गया माइनस नाइनटी सिक्स प्लस सोलह अड़तालीस ये अड़तालीस ये हो गया तो टू एटी एट और थ्री कितना हो जाएगा तो टू नाइन्टी वन माइनस नाइनटी सिक्स कर देंगे हम्म तो कितना हो जाएगा में से छह जाएगा पांच और उसके बाद अट्ठारह से नौ जाएगा नौ ये एक वन नाइनटी फाइव अरे वाह तुम लोग तो बिल्कुल शेर हो गए हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है चलिए स्पीड बढ़ाते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दिया बताना है आप लोग को डिक्शनरी ऑर्डर कैसा बनेगा बताना है आपको कि डिक्शनरी ऑर्डर कैसा बनेगा इस क्वेश्चन का जल्दी से निकाल करके बताइए सभी दोस्त चलिए बहुत सही संदीप सर ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने कैसे स्टार्ट करें देखो बेटा संदीप ऐसे क्वेश्चंस में अब आपको देखो कहीं ना कहीं सब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अगर खाली सिंबल आए तो हिट एंड ट्रायल है आपके पास से शुरू करते हैं अगर केवल नंबर आए तो भी सही है आसान हो जाता है बन जाता है लेकिन दोनों एक साथ आ जाए फिर डिफिकल्टी है आपके लिए प्रिंट आउट नहीं निकाला कोई दिक्कत नहीं बेटा चलो आ जाओ यहां देखिए एल 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 पहला अक्षर एल है ए ओ ए ए तो अब पहले ए आएगा लो ए लगा दिया उसके बाद यू एस यू एस तो यू आता है एस तो एस आता है एस और एस अब एस काट दिया एस काट दिया तो यहाँ तो पहले पांच फिर भाई सब, सब में चार है। और चार एक ये ऑप्शन कटा तीन यहाँ भी अब यहाँ आ जाओ यू और यू फिर यहाँ एन है और यहाँ डी इसका मतलब दो और फिर एक तो दो और एक तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन सा आ रहा है मेरे शेरों नंबर सी आ रहा है, फाइनल चलो बिल्कुल सही अगला तो, क्वेश्चन मतलब बढ़ते हुए क्रम अवरोही होता है घटते हुए क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर चलो जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए बनेगा जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा जल्दी जल्दी बताइए सभी दोस्त सभी मित्र जल्दी जल्दी निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा हाँ सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मेरे दोस्तों सौ सबसे छोटी यूनिट क्या होती है सौ सौ सबसे छोटा यहां पर क्या है मेरे सिरो सौ है तो सबसे पहले हमें चाहिए हंड्रेड वन हंड्रेड यानी फोर फिर उसके बाद सौ के बाद क्या आएगा लाख करोड़ बिलियन ट्रिलियन मिलियन तो सौ के बाद लाख ले चले यानी चार चार किसमें इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है ये लो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया यानी अगर आप एक यहां पर सेट कर लो तो आगे का सारा सेट हो सकता है बट ये ऐसा हर ऑप्शन में ऐसा नहीं जरूरी है हो सकता है कॉमन करके काफी आगे तक ले जाए हाँ तो बोला है दूध सागर वाटरफॉल जो है वो कहां पर है गोवा में तो सेम ऐसे आपको निकाल करके बताना है क्या तालकोना डैम जो है वो कहाँ पर है क्या तेलंगाना में है जोंग वॉटरफॉल जो है क्या वो कर्नाटक में है हाँ धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार वॉटरफॉल क्या छत्तीसगढ़ में है या होगे नक्कल होगे नक्कल वॉटरफॉल क्या केरला में है जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा वाला है आपके ये आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया हाँ ये आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया बता सकते हैं जिस तरीके से आ, दूध सागर हाँ जी दूध सागर वाटरफॉल जो है वो गोवा में है तो इसमें से कौन सा वाला सही है सी पूजा शर्मा कह रही सी पी के चौधरी बी हाँ तिलक गुप्ता हाँ बी सीमा ओके नहीं पता कई लोग कह रहे सर हमें नहीं पता आप लोग सेशन को लाइक कर देना ठीक है चलो इधर देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जोंग वाटरफॉल जो है वो कर्नाटका में ठीक है ना क्या है जोंग वॉटरफॉल जो है वो कहां पे है कर्नाटका में है सेम इसी तरीके से चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन है जल्दी से निकालो बेटा देखो एस के किसी भी प्रक्रिया को पूरा होने में आप कम से कम आ, एक साल मान सकते हो ठीक है चलो हाँ यहां यहां देखिएगा ए का मतलब है प्लस ए का मतलब है प्लस 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 फिर बी का मतलब है डिवाइड बी का मतलब क्या है डिवाइड सी का मतलब क्या है क्रॉस सी का मतलब क्रॉस डी का मतलब माइनस ये सोल्व करा जाए ये देखो देखो ये 187 एटी सेवन डिवाइडेड बाई सेवनटीन इन टू फोर प्लस सेवन माइनस सेवनटीन तो 17 से 11 बार में जाएगा 11 चौक चौवालीस और प्लस सात और माइनस सत्रह तो चौवालीस और सात कितना इक्यावन माइनस सत्रह तो कितना आ जाएगा 34 क्या आप लोग का आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सब लोगों ने डी आंसर बोला है चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इसे सॉल्व करिए टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है नाउ मेरे से जल्दी जल्दी बताइए 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 जल्दी जल्दी थ्री फोर थ्री ओके किस किस को इंटरचेंज कर दें हाँ वैभव ए ए हाँ बेटा चांस है संदीप हाँ चलो आप लोग कह रहे हो सत्रह और पांच को कर दो लाना कितना है पंद्रह अगर बेटा आपने सत्रह को हटाया तो सत्रह पंजे पचासी जो होना था वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा मामला हाँ जी चलो मेजोरिटी कह रही तो करके देख लेते हैं यहां आपने कहा पांच कर दो सर यहाँ सत्रह कर दो चलो देखते हैं तो ये सत्रह आ जाएगा सत्रह प्लस सत्रह चौके अड़सठ माइनस दस गुणे सात यानी सत्तर दस गुणे सात बराबर सत्तर तो अड़सठ प्लस सत्रह हाँ आ जाएगा आठ सात पंद्रह पांच फिर एक हाथ से लग गया छह सात और एक आठ पिचासी माइनस सत्तर कर दोगे पंद्रह आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हाँ देखो बेटा निधि जब भी ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है इसमें क्या होता है हम लोग जो नियम फॉलो करते हैं वो बॉडमास का नियम फॉलो करते हैं इसका नियम फॉलो करते हैं बॉडमास का बॉडमास का नियम हम लोग फॉलो करते हुए चीजों को बनाते हैं बॉडमास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऐसे चलता है नहीं बेटा इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है अगर होती तो आपको पता है मैं बिना कहे आपके बता देता क्योंकि यहां आपको ये थोड़ी ना पता है कि किस नंबर को बदलने से चीजें ये तो प्योर एजम्शन गेम है ना बेटा कि आपने किस चीज को पुट किया और आपका आंसर बन गया इक्वेशन बैलेंस करनी है इक्वेशन बैलेंस करने का आज तक कोई एक तरीके से कोई शॉर्टकट बन पाया है ये बताओ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए थोड़ी ना कोई शॉर्टकट होता है चलिए अगला क्वेश्चन एक परिवार में एक दो तीन चार पांच छह लोग हैं ठीक है जल्दी जल्दी निकालो जल्दी जल्दी बताओ एक परिवार में छह लोग हैं सीए से कैसे रिलेट कर रहा है आपको बताना है जल्दी से थोड़ा टाइम लगता है हां, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही कहा बेटा स्नेहा चलिए यहां आ जाइए तो छह दोस्त हैं आपके मतलब परिवार में छह लोग हैं आपके एच e, जो भी है ठीक है डी ए की ग्रैंड मदर है डी ग्रैंड मदर है किसकी एक की तो एक स्टेज का गैप छोड़ दिया मम्मी पापा वाला ठीक है सी एफ की मम्मी है सी मम्मी है किसकी एफ की हमें नहीं पता और बी की पत्नी है और बोले तो कौन सी सी जो है वो बी की क्या है पत्नी है बी उसका पति है और सी एफ की मम्मी है सी जो है वो एफ की मम्मी है जहां होगा ऐसे लगा देंगे बी की मदर बी की माँ डी है बी की मम्मी कौन है बी की मम्मी कौन है डी चलो ठीक है तो बी की शादी सी से करा दो आ, ये बी की मम्मी ये हो गया और ये एफ एफ ऐसे बोला है परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं तो टोटल छह लोग हैं तो एक दो तीन चार हुआ तो ये बचा हुआ ठीक है अब बचा कौन सा है देखो कोई बचा है डी ए एक, डी ए की ग्रैंड मदर है तो डी ए की ग्रैंड मदर हो गई सी एफ की मम्मी हो गई सी जो है मम्मी हो गई एफ की और बी की पत्नी है और बोले तो कौन आपकी सी पत्नी है आ, बी बी की की चलो ये भी बन गया सी बी की पत्नी यहाँ तक हो गया बी की माँ डी है बी की मम्मी डी हो गई परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं व्हाट इज द रिलेशन सी इज रिलेटेड टू ए सी ए से कैसे रिलेट कर रहा है सी ए से कैसे रिलेट कर रहा है तो ये देखो इधर देखो आपके पापा की पत्नी आपके पापा की जो वाइफ होती है वो आपकी क्या बनती है बेटा आपके पापा की जो वाइफ होती है वो क्या बनती है मम्मी बनती है आपके पापा की जो वाइफ होती है वो क्या बनती है मम्मी बनती है अब जब बोला है दो विवाहित जोड़े हैं तो एक की शादी ये करा चुके ये तो लड़के बच्चे ही हैं आपके तो ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों बन जाएंगे आपके क्या भाई बहन ठीक है और यहाँ पर इनकी शादी करा दो कौन सा एक लेटर बच गया है ए हो गया बी सी डी ई बच गया है तो ई की शादी इससे करा दो ये बन गया यहां तक बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा बट पूरे स्ट्रक्चर की नीड आपको नहीं थी आपका आंसर इतने से बन जाएगा सी जो है वो एक ही मम्मी है क्लियर है चलो आगे बढ़ते नाइन नंबर दो अगर बत्तीस से रिलेट कर रहा है तो तीन किससे रिलेट करेगा दो से बत्तीस कब आता है पावर में जब चलते हैं तब आता है तो दो की पावर तीन तक तो आठ आता है दो की पावर चार सोलह आता है और दो की पावर पांच बत्तीस आता है दो की पावर पांच बत्तीस आता है ठीक है चलो आ जाइए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दो की पावर पांच किया कितना आ गया बत्तीस वैसे तीन की पावर पांच कर दें तो तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन तीन तरीक का नौ तरीक सत्ताईस सत्ताईस तीन इक्यासी इक्यासी इंटू तीन तो आर्थिक चौबीस दो सौ तेतालीस दो सौ तैतालीस ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है आपको निकाल करके बताना है इसमें से कौन सा वाला अलग है आपको निकाल करके बताना है इसमें से कौन सा वाला डिफरेंट है अलग है जल्दी से निकालो और बताओ इसमें से कौन सा वाला अलग है फटाफट दो सौ तैतालीस बिल्कुल सही था चलो यहां आ जाओ यहाँ देखिए उन्नीस है इक्कीस है पच्चीस है तैतीस है उनचास है इक्यासी है एक सौ चौवालीस है हाँ यहाँ देखो उन्नीस और दो इक्कीस इक्कीस और चार पच्चीस पच्चीस पांच और तीन यहाँ देखो पांच और तीन आठ यहाँ देखो आठ यहाँ देखो छः तीन नौ तीन चाहिए देखो सोलह अब यहाँ देखो दो दुनी चार दुनी आठ यानी इंटू टू इंटू टू इंटू टू और इंटू टू कर देंगे तो बत्तीस बत्तीस का मतलब नौ और दो ग्यारह का एक फिर एक हासिल लग गया चाँती छात्र और एक आठ अब बत्तीस का क्या हो जाएगा बत्तीस का दो गुना चौंसठ तो चार और एक पाँच ये गलत हो गया चार और एक पांच हो गया आठ सौ चौदह एक सौ पैंतालीस यानी इसे एक सौ चौवालीस जगह क्या आना चाहिए था एक सौ पैंतालीस आना चाहिए था तो गलत जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है चलो क्लियर है अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्तों हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है जल्दी से निकाल करके बताइए मेरे क्या आंसर आएगा जी चलिए फटाफट निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से

ए से वी वी से क्यू तो ए से वी का मतलब बाईस जाना था ना तो छब्बीस पच्चीस इधर देखो सत्रह 5, यहाँ भी पाँच घटाए यहाँ भी पाँच, तो आप पाँच और घटा देंगे तो बारह यानी एल आ जाएगा बी तो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा मेरे शेरों बी वाला आंसर बन रहा है क्लियर है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बारह नंबर निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए मेरे दोस्तों इसका क्या आंसर आएगा जिन्होंने भी अभी तक सेशन को शेयर न किया और शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया और लाइक कर दे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया चलिए आ जाइए यहां पर यहां पर इसको पलटो इसको जैसे पलटोगे ऐसे आएगा ई ये आ जाएगा टी तो ई देखो यहां ई गड़बड़ बना है ना सीधा सीधा बना दिया जय माता दी ई टी यहां पर ई उल्टा बना है यहां देखो ठीक लग रहा है और यहां भी देखो ठीक लग रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ ए काट दो आपका आंसर बी बन जाएगा बी बन जाएगा इसका आंसर बी बन जाएगा ठीक है चलो अगला देखिए अगला देखिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा अब यहाँ पर देखो बोला है आर यू आर यू एन ई आर आर यू एन ए आर इसको बोला है नाइन थ्री फाइव फाइव नाइन तो देखो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आर की प्लेस वैल्यू अट्ठारह यू की इक्कीस इसकी चौदह इसकी पांच और इसकी अट्ठारह तो ये 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 यानी जो दो डिजिट में प्लेस वैल्यूज हैं उनको आपस में जोड़ दो तो आठ और एक नौ देखो और एक नौ पांच का पांच चार और एक पांच दो और एक तीन और आठ और एक नौ कुल मिला के देखें तो इस तरीके से अठारह तो है, है एक है उसके बाद अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तीन है और ये ग्यारह है तो ग्यारह मतलब एक और एक दो तीन का तीन एक का एक आठ और एक नौ और ये रहा दो दो सौ इक्यानवे बत्तीस दो सौ बत्तीस दो सौ इक्यानबे बत्तीस ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आज ये भी मैं भी देख रहा हूं यार बड़ी देर से लगातार आंसर बी 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 आया जा रहा है आज लगता है ऑप्शन सेट करते हो सारे ऑप्शन बी लगा दिए थे क्या मैंने एक बार में चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फिफ्टीन आ चुका है आज हम कितनी ही ताबड़तोड़ स्पीड में चले हैं बहुत सही अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं निकालिए और बताइए अमन कुमार शर्मा बी आंसर हाँ अब तो आंख बंद करके तुम लोग बी लगा दोगे क्योंकि लगातार बी आंसर सही हो रहा है यहाँ पर हाँ लेकिन खेल हो जाएगा इसलिए आंख बंद करके मत लगा देना ठीक है बी को लॉक किया जाए चलो हाँ बी बी सही बात है जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से सभी दोस्त निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा फटाफट निकालिए और बताइए जल्दी जल्दी बी लगाओ सब अच्छा बी लगा दे। लेट सी देखो जैसे ये है ये क्या कह रहा है इसमें क्या हो रहा है क्या हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि तीन दून छह कर दें अगर ऐसा आ रहा है तो क्या कहीं हो रहा है चौदह छहत्तर होगा क्या नहीं सत्या क्या चौवन होगा क्या नहीं तेरह पंजे नहीं क्या पंद्रह चौके बासठ नहीं इसका मतलब अगर ये लॉजिक आया है तो बिल्कुल गलत है अगर ये लॉजिक आया है तो गलत है ठीक है अब क्या कर सकते हैं क्या हम है ऐसा कह सकते हैं देखो टू की पावर अगर हम आ, वन और माइनस जीरो कर दे दो माइनस जीरो कर दोगे दो आ जाएगा फिर दो की पावर दो माइनस एक कर दे दो चार माइनस एक कर दें तो तीन आ जाएगा फिर दो की पावर तीन और माइनस एक कर दे माइनस एक नहीं जीरो एक अब ये माइनस दो कर दो तो दो की पावर तीन आठ आठ में दो गया तो छ आ जाएगा ऐसे तो अब ऐसा देख लो तो ये तो छह ही रहेगा तीन चार और पांच ही रहेगा छह का अगर हम स्क्वायर करते हैं छत्तीस तो ये गलत है तीन का स्क्वायर करते हैं नौ ये भी गलत है चार का स्क्वायर करते हैं सोलह देखो ये बी आंसर फिर से सही हो गया यार चार की पावर एक माइनस जीरो कर दोगे चार आ जाएगा चार का स्क्वायर माइनस एक कर दोगे पंद्रह आ जाएगा और चार का क्यूब चौसठ माइनस दो कर दोगे तो ये देखो बासठ अगेन आप लोग का आंसर बी और आप लोगों का तुक्का सही हो चुका है समझ गए चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 15 नंबर निकालो 5012 से अगर 38 बोला है 5012 से अगर 38 बोला है और ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हैं देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हैं जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पांस बनेगा जल्दी जल्दी बताइए बताइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अपडेट कर सब आंसर हो रहा है <laughs> अच्छा इसका क्या आएगा बताइए तो चलो आंसर बदल गया क्या लग रहा है तेरा 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 तेरा, तेरा, तेरा। हां क्या तेरा क्या मेरा साथी सब ऊपर वाले का है ना चलिए हाँ जाइए देखो हाँ जैसे ये ना ये पूरा एक नंबर लिखा था पचास बारह अब लेकिन बड़ी समस्या आई हमें अड़तीस लाना था जोड़ के नहीं ला सकते थे गुणा करके नहीं ला सकते थे तो हम इसको पचास माइनस बारह कर देंगे तो देखो अड़तीस आ जाएगा अड़तीस चौवालीस माइनस इकतीस कर देंगे तो देखो तेरह आ जाएगा क्या आ जाएगा तेरह आ जाएगा तो आपका आंसर अगेन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गॉट इट चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इसमें से आपको गलत वाला नंबर आइडेंटिफाई करना है पहचानना है हाँ, चलो अब हमारा इतिहास बदल गया अब कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि हर क्वेश्चन का आंसर बी ही है हाँ हर क्वेश्चन का आंसर हाँ जी टाइम अप हो गया क्या पता हाँ फिर से बी आ जाए हाँ जल्दी जल्दी देखकर बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी और बेटा दो अप्रैल को दो अप्रैल को हाँ जी दो अप्रैल को, हाँ, को दो अप्रैल को अप्रैल को शाम को जी दो अप्रैल को शाम सात बज के मिनट पे शाम सात बज के मिनट पे आप लोग को जरूर जुड़ना है किससे अर्जुन अर्जुन क्या है ये अर्जुन जानना है ना तो आपको जुड़ना पड़ेगा क्या है ये अर्जुन आपको जानना है ना तो आपको जुड़ना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं देखते पर अट्ठाईस तो हाँ, निकालो और बताओ तो इसका क्या आंसर आ रहा है हाँ? 58, मतलब इस बार तुम नहीं चाह रहे वैसे करना चलो यहां आओ ये है देखो तो अगर मैं इसको देखूं तो दैट इज टू दैट इज सिक्स दस में से छह गया चार दस में से छह गया चार आठ में सात गया एक चौदह ओके माइनस 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 अगला छह में से आठ गया दो सोलह में से एक अठारह यहां देखो पचास तीस यहाँ पर तीस है मतलब ऐसे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बताइए कोई लॉजिक लग पाया अठावन की जगह पे छप्पन होता हाँ श्रवण कुमार बता रहे हैं छिहत्तर यानी श्रवण का अगेन भी आंसर आ रहा है बाकी कुछ लोग आंसर करना चाह रहे हैं अठाईस और कुछ लोग अट्ठावन यानी ए आंसर करना चाह रहे हैं क्या लॉजिक हुआ है ये भी तो बताओ देखो यहां पर सब लोग पहले मिलकर के एक बार सेशन को लाइक कर दो मेरे सेरो जल्दी जल्दी हम्म क्या इसको ऐसा कह सकते हैं अगर हम एक और अंतर ले पता कुछ बन जाए चार आठ फिर चार और ये हो जाएगा बारह नहीं इससे तो कुछ नहीं आ रहा है ना देखो यहां पर अगर मैं ऐसा बोल दू इधर देखो दो एक मतलब इसको ऐसे एक दूनी दो दो तिहाई छ देखो ऐसे दो तिहाई छ देखो इस तरीके समझ गए फिर देखो हो क्या रहा है यहाँ पर एक इंटू दो फिर दो इंटू तीन फिर ऐसे ही तीन इंटू चार, चार इंटू पाँच और फिर पांच इंटू छ देखो तो दो एक कम दो तीन दो ठीक था और छह पंजे तीस सही था यहाँ गड़बड़ है यहाँ गड़बड़ क्या है यहाँ चार तैयार यहाँ बारह होना चाहिए था यहाँ बारह होना चाहिए था और यहाँ बारह तो यहाँ पर पांचों की यहाँ पर बीस होना चाहिए था देखना अभी मैं इसीलिए ऐसे नीले के से लिख रहा हूँ लाल के ऊपर जैसे आपको पता रहा यहाँ चौदह था यहाँ अट्ठारह था अब समझना जैसे हम नब्बे में से बारह घटाएंगे नब्बे में से बारह घटाएंगे तो और ये हो जाएगा आपका दस में से दो गया आठ और ये हो जाएगा अठहत्तर और अठहत्तर में जैसे ही बीस घटाओगे देखो अट्ठावन आ जाएगा इसका मतलब जो गड़बड़ है दैट इज छिहत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी किसी ने बी आंसर बोला था छब्बीस की प्लेस पर तीस होगा गलत है सही को ऐड कर दीजिए सर हाँ बेटा बिल्कुल तरुण अब समझ आ गया सब लोग को छिहत्तर ठीक है यहाँ पर, हाँ यानी चल रहा था एक गुण दो माइनस दो गुण तीन माइनस तीन गुणे चार माइनस चार गुणे पांच माइनस पांच गुणे छ अच्छा क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन है निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा अगला क्वेश्चन है निकाल करके बताइए अगला क्वेश्चन है निकाल करके बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी 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 से तो देखो ग्यारह है फिर तेरह है फिर पंद्रह इसे हम क्या बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज क्या बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज ठीक है अल्टरनेट सीरीज यानी जब एक छोड़कर आता है ऐसा तो अल्टरनेट सीरीज की जब हम बात करें तो ग्यारह से तेरह तेरह से पंद्रह पंद्रह से सत्रह बोले तो क्यों ये ठीक है चलो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निकालिए और बताइए जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से हाँ बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी जल्दी बी श्योर चलो यहां आ जाओ देखते हैं देखो यहां पर है इसको ऐसे 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 अब ऐसा कहाँ दिख रहा है इसमें तो है नहीं इस वाले में थोड़ा थोड़ा मान सकता हूँ ऐसे और किसी में कोई चांस है देखो इस वाले में तो ये टच ही नहीं हो रहा है जय माता दी इसमें भी नहीं हो रहा है और इसमें भी नहीं तो योर आंसर विल बी बी फाइनल है चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है क्या करें यार आज तो पता नहीं मैं किस आ... मूड में ऑप्शन सेट कर रहा था आज बी 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 सारे आंसर ही भी हो गए हाँ सीताराम सीताराम सही बात है <laughs> अन्नु राव क्या किया जाए आज बी ज्यादा आ गया है ठीक है चलो यहाँ आ जाओ अब तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर अगर आज जैसे ये पेपर आया होता सपोज मान लो आपका पच्चीस क्वेश्चन का और आपने बी 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 ऑप्शन टिक कर दिया होता तो अब तक खाली दो तीन ही क्वेश्चन गलत होते बाकी सारे सही होते हाँ वो कहते हैं ना ऑप्शन बी एक्सपर्ट बन जाते आप लो। आप लोग चलिए ऑप्शन सी एक्सपर्ट एक्सपर्ट देखें बट बनते चलो खैर देखो आ, P, Q, देखो पी क्यू यहाँ पर लेटर बढ़ रहे हैं ना देखो पी के बाद क्यू पी क्यू एक साथ फिर क्यू आर फिर आर एस फिर एस टी फिर एस टी फिर टी यू टी तो टी यहाँ कैसे आता टी और यू देखो यहाँ सब सीधे बने उसका ऐसे बने देखो ना आर यहाँ सीधा था यहाँ ऐसे बन गया तो ऐसे टी और यू तो टी और यू ऐसा किसमें बनना इसमें देखो नहीं है ऑप्शन नंबर बी आंसर ठीक है अगेन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकाल करके बताइएगा अगला क्या आंसर बनेगा अगेन वी हैव आंसर ऑप्शन बी कुछ अलग ही है आज तो चलिए यहां पर आ जाइए टाइम अप होने वाला है जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा फटाफट फड़ सारे दोस्त अब यहां पर देखो क्या हो रहा है यहाँ ये हो रहा है देखो तीन लाइन चार लाइन चार लाइन पांच लाइन पांच लाइन छ लाइन और फिर छह लाइन सात लाइन अब सात लाइन का स्ट्रक्चर तो ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए वन बहुत कूटेंगे तुम लोग को। ज्ञान सारे, सारे के सारे कह रहे हैं। मैडम को पास बुला लो हाँ <laughs> ऐसे कौन कहता भाई साहब चलिए रात दस बजे की क्लास में आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं ये बहुत ही दुखद समाचार है आप लोग की तरफ से अगर आप लोग उससे जुड़ोगे तो ही तो फिर मैं उस क्लास को और अच्छे से लेकर चलूंगा जी ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए नहीं आएगा नहीं आएगा प्रॉब्लम बता रहा हूँ बैठो बैठो क्लास लगानी <laughs> है चलिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें देखो बेटा बोला है उत्तर दिशा से आरंभ होकर भारत के मानचित्र पर दक्षिणावर्त अगर हम लोग बोलने की कोशिश करें तो आप लोग को अरेंज करना है ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेन अरेंज इन अ क्लॉकवाइज मैनर यानी घड़ी की दिशा में अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए चलें तो कौन कौन से स्टेट कैसे अरेंज होंगे हाँ चलो 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 अब इसका आंसर ए बी सी अब आप सोच लो ठीक है चलो इस एक बेहतरीन क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं एच डब्लू कल इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर लूंगा ठीक है एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन सुनो इसके बाद में आप लोग के सामने सी एच एस एल टीयर टू का पैटर्न डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं अभी दो मिनट के अंदर सी एच एस एल का एग्जाम पैटर्न जो टीयर टू क्योंकि उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है तो उस डिस्कशन में आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं देखो बेटा अगर आप सीआरपीएफ के एग्जाम का फॉर्म भरे हो तो मात्र साढ़े चार सौ रुपए में डबल वैलिडिटी के साथ आज रात बारह बजे तक, तक, तो तक इस कोड का यूज करके आप जुड़ जाइए अगर आप सीजल के की तैयारी कर रहे हो तो बेटा सीजल का ये फाउंडेशन बैच Y461 कोड लगा करके आज रात बारह बजे तक एक हजार पचास रुपए में ले लो क्योंकि इसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है और रोज शाम चार बजे ऐप पर मेरी क्लास चलती है रोज शाम चार बजे रोज शाम चार ऐप पर मेरी क्लास चलती है आज का टॉपिक है ऐप पर सिलोलिज्म आज का जो टॉपिक है हमारा ऐप पर सिलोलिज्म यानी न्याय निगम ठीक है और बेटा सभी महापैक्स पर डबल वैलिडिटी लाइव है आज रात बारह बजे ये डबल वैलिडिटी ओवर हो जाएगी आज रात बारह बजे तक ये वैलिडिटी डिस्काउंट मिल सके तो देर मत करिएगा कर ना कि ग्रुप मैंने आपको बताया कम्युनिटी पे जाने के बाद देखो यहां कम्युनिटी पे जाना कम्युनिटी के बाद ये ग्रुप दिखाई देगा इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए जिससे फिफ्टी फोर गए दस मेंबर और ज्वाइन किए हैं ठीक है जुड़ जाइएगा फिर मैं यहाँ से आप लोग को कल से आज से ही क्विज देना शुरू कर दूंगा ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर मिलते हैं सेशन में <coughs> सब लोग अगले मेरे उस सेशन में जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पर हैं जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर हैं सारे के सारे दोस्त यहाँ पर आ जाइए जल्दी से जो भी दोस्त अभी यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे मित्र हमारे जुड़ जाइए अगले उस सेशन से ठीक है उस सेशन से जुड़ जाओगे तो हम लोग बढ़िया तरीके से आपको मैं ये बता पाऊंगा कि सीजीएल का जो आपका एग्जाम सॉरी सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसे आपको फॉलो करना है और आप उससे जुड़ जाएंगे समझ गया ये? आई बात तो जी सभी लोग जुड़ जाइए फिर उस सेशन के साथ ठीक है तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं मस्त रहिए है, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और हाँ रात दस बजे की क्लास में जरूर जरूर जरूर, जरूर जुड़ा करिए क्योंकि जैसे मैंने उसमें प्रॉमिस किया आपसे अगर आपने उसमें कैंडिडेट्स प्लस हो गया, क्योंकि 300 तक चुके हैं अब हम लोग 200 कैंडिडेट्स और ऐड करने हैं आपको जैसे वो ऐड होगा हम उससे में कन्वर्ट कर देंगे और टॉपिक वाइज जब हम चीजें कराएंगे तो आपको ही पता है बहुत बेनिफिट होगा आपका ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर थैंक यू और जाकर के इस बैच से आज रात 12 बजे तक जरूर जुड़ जाइए ठीक है ना महापैक्स पे जुड़ जाओगे तो सबसे बड़ा फायदा है अगर एस एस सी से जुड़ गए हर एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी दो साल के लिए